हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं। आइए समझते हैं सीखेंगे क्या। तो देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट के नाम है, उनके मार्क्स है। यहां पर टोटल मार्क्स निकाल चुका हूं मैं सम फार्मूले की मदद से। ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, आप तो जानते ही हैं। यहां पर हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज और उसके बाद इसके लिए चार्ट डिजाइन करना है, ठीक है। ये खाने वाला नहीं है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला चार्ट है। तो यहां पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 236 मार्क्स हैं इनके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट में, तो इसी के बेस पर परसेंटेज कैलकुलेट होगा। आइए समझते हैं कैसे होगा। इनटू का साइन लगाइए और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, जो कि पांच सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट कंटेन किए हुए हैं 100 मार्क्स को, तो 500 मार्क्स हो गए टोटल। यानी पांच सब्जेक्ट के जो है मार्क्स कितने हो गए 500। तो ये आ गया परसेंटेज, डबल क्लिक कर देंगे सबका आ जाएगा। यहां पर देख सकते हैं आपने परसेंटेज तो कैलकुलेट कर लिया है। अब पूरे डेटा को सिलेक्शन में ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये ले लिया हमने, अब हमें कहां चलना है, इंसर्ट पर। इसे मैंने इंडिया नाम दे दिया है, आप भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं यहां पर, और यहां पर हमें बनाना है इसके लिए कौन सा चार्ट, पाई चार्ट। तो यहां पर आ जाएंगे पाई चार्ट पर और यहां से हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। तो यहां पे 3D चार्ट में डिजाइन करूंगा। ये आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप और भी ज्यादा बेहतर लुक के लिए ये ले सकते हैं। और यहां पर इसकी साइज को मैं छोटा या बड़ा कर देता हूं कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये छोटा कर। तो यहां पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट का आपको ब्यौरा मिल जाता है। इसे हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। और पाई चार्ट समझिए कि आपको परसेंटेज दिखाना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो महेश का परसेंटेज है ये काफी छोटा दिख रहा है और नीता का काफी और छोटा है। तो यहाँ पे नीता का मार्क्स देख लेते हैं, ठीक है। नीता है कहाँ, ये देखिए ये नीता है और इनका मार्क्स देखते हैं। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ एक दूसरे कलर से, आपको पता चलता रहेगा। ये देखिए सबसे कम है इनका, 32% मार्क्स है। तो देखिए इनका जो एरिया है वो सबसे छोटा है। तो ये है पाई चार्ट, और इस तरीके से क्रिएट करा सकते हैं और इस तरीके से इसको यूज में लेके आ सकते हैं। अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं अपने चार्ट का, तो इस चार्ट पर क्लिक कीजिए और आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं इजिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट पे जाइए और चार्ट का टाइटल आप यहाँ से बदल डालिए। पे जाएंगे और यहाँ पे दे देता हूँ मैं मार्कशीट, ये दे दिया मार्कशीट। तो यहाँ पर ये मार्कशीट के नाम से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूं तो ये देखिए मार्कशीट के नाम से आ जाएगा। अगर इस चार्ट के अंदर भी कोई कलर फिल करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं यहां से जाकर के। ये देखिए ये एक कलर मैं फिल कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये देखिए इसके अंदर भी एक कलर फिल हो जाएगा और फिर आपको ये चार्ट यहाँ पर इस तरीके से दिखेगा। नीचे सबके मार्क्स हैं और अलग अलग कलर में इनको हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।